Near me. Real assault. उतार क्या देख रहा है क्या तोड़ दे इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या गाय का चारा तो लेजेंड्स यहाँ पे फाइनली जिस अपडेट का हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो बड़ा अपडेट फाइनली आ चुका है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 GB का अपडेट है जिसमें कि मैप इंक्लूडेड है एंड यहाँ पे इसी के साथ हमें बहुत सारे एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने के लिए मिल चुके हैं एंड यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम वही सारी चीजें देखने वाले हैं तो मेक श्योर करना इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और यहाँ पे बिना आपको और ज्यादा वक्त लिए चले आज की वीडियो सीधे स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले एक्सपेक्टेड चेंजेस जो कि हम सभी लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज हमें गेम लॉन्च इंट्रो में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे न्यू मोबाइल एक्सक्लूसिव लेजेंड रैप्सोडी की थीम के साथ यहाँ हमारी गेम स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे हर एक सीजन में केयर पैकेज के वेपन्स चेंज होते रहते हैं और जैसे कि हमें सीजन 1 में वोल्ट SMG और स्पीडफायर केयर पैकेज में देखने के लिए मिलती थी पर यहाँ पे इस सीजन में दोनों गन्स ग्राउंड पे स्पॉन हुई आपको नजर आएगी और इनकी जगह केयर पैकेज में गई है ईवा ऑटो 8 और डिवोशन। और यहाँ पे सच बता रहा फाइनली वोल्ट SMG को यूज करने का मजा आने वाला है क्योंकि पिछले सीजन में तो देखो मुझे काफी कम मिली है वोल्ट SMG मोस्टली क्रेवर या फिर स्पीडफायर मिलती थी। और यहाँ पे इसी के साथ हमें मैप रोटेशन में देखने के लिए मिलता है किंग्स कैनियन मतलब कि इस सीजन के लिए हमें किंग्स कैनियन मैप खेलने के लिए मिलने वाला है और नेक्स्ट सीजन जब कोई न्यू मैप आता है या फिर वर्ल्ड सेज मैप अगर वापस आता है तो उसमें हमें काफी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले जिन चेंजेस को हमने ऑलरेडी इस वीडियो में देख लिया है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना। और अभी हमारा लास्ट एक्सपेक्टेड चेंज है इनफाइनाइट बनी ऑफ को नर्फ कर देना और सच बता रहा फाइनली अब जाके कुछ शांति मिली इस गेम में ठीक से खेल पा रहा हो एटलीस्ट। अब लेजेंड्स ये रहे हमारे एक्सपेक्टेड चेंजेस जिन चेंजेस को ऑब्वियसली सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और अब हम देखने वाले अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हुआ है इस अपडेट के बाद। तो यहाँ पे देखो सबसे मेन बिगेस्ट चेंज हुआ है विंगमैन के साइड्स को लेके एंड यहाँ पे फाइनली अब जाके विंगमैन कुछ PC विंगमैन जैसे लग रही है और सिर्फ लग नहीं रही बल्कि वैसे चल रही है और पर्सनली देखो ये चीज देख के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे दूसरे अनएक्सपेक्टेड चीज में इन लोगों ने और एक चीज को नर्फ कर दिया है और ये नर्फ हमें देखने के लिए मिलता है क्राउच स्पैम को लेके जहाँ पे पहले अगर आप क्राउच बटन को होल्ड पे रख के खेलते थे एंड अगर आप क्राउच को स्पैम करते हो तो आपके लेजेंड को हिट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था एंड वही अगर आप अपडेट के बाद क्राउच स्पैम करने की कोशिश करते हो तो आपका बंदा क्राउच नहीं करेगा यहाँ पे बल्कि आपका लेजेंड क्राउच तो करेगा बट अगर आप इस क्राउच बटन को स्पैम करते हो तो आपका लेजेंड खड़ा का खड़ा ही रहेगा। सो हाँ और एक यहाँ पे इन्होंने वियर्ड और नॉट ओरिजिनल मूवमेंट को निकाल दिया है एंड धीरे धीरे ये गेम PC जैसी होती जा रही है मैकेनिक्स वाइज। एंड हमें तीसरा चेंज हमें शॉटगन्स में देखने के लिए मिलता है जहाँ पे अपडेट के बाद अगर आप शॉटगन्स को हिट करते हो तो कितने पैलेट्स आपने एनिमीज को स्टक किया वो आपको दिखाता है एंड पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से सॉफ्ट लॉन्च में तो एग्जिस्ट करता था बट पता नहीं ग्लोबल लॉन्च के बाद फिर से चला गया था बट हाँ फाइनली इन्होंने इसको ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पे हमारा फोर्थ चेंज है गेम मैकेनिक्स को लेके। सो अगर अपने गेम को अपडेट करने के बाद खेला होगा तो आपको अपनी मूवमेंट मैकेनिक्स थोड़े अजीब लगे होंगे एंड यहाँ पे इवन मुझे गेम में दिखा रहा है कि मैंने FOV 100 पे रखा है पर सच बता ये FOV आपको 100 का लगता है या फिर नहीं या फिर सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 100 FOV में सिलेक्ट करके भी मुझे मेरा गेम प्ले 100 FOV का नहीं लग रहा और क्या ये सेम चीज आपके साथ हुई या फिर नहीं मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट चेंज है वो हमें सेटिंग्स में देखने के लिए मिलता है जहाँ पे हमें विजुअल इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे आप बेसिकली अपने स्कोप के रेटिकल को कस्टमाइज कर सकते हो कौन से भी कलर से और साइड में आपको मैप के अलग अलग सीन्स देखने के लिए मिलते हैं जिससे कि आप ये भी मेक श्योर कर सकते हो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ रेटिकल कहीं गेम एनवायरमेंट से कैमोफ्लेज तो नहीं हो रहा। और यही कुछ चेंजेस थे जो कि मैंने गेम को अपडेट करने के बाद तुरंत नोटिस किए हैं। यहाँ पे इनके अलावा अगर कोई चेंजेस आप लोगों ने नोटिस किए तो फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कर देना। और यहाँ पे देखो यार हम 5000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है यार और क्या हम 5000 सब्सक्राइबर्स को इस हफ्ते कम्प्लीट कर सकते हैं इसका जवाब मुझे सब्सक्राइब करके देना। तो यहाँ पे मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जय हिंद वंदे मातरम। मैं बोला कि ग्रैंड अरे मैं गिर गया। सैम ने बोला लेट्स गो और मैंने बोला क्या बोला मैंने हाँ आई मीन राइट नाउ आई मीन बाथरूम ऐसा बोला ठीक है के बाद मैं बोला कम मतलब हो गया मेरा बंदे बंदे